हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे द प्रिल्यूड विच वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही लंबी एक पोएम है, ऑलमोस्ट 14 बुक्स में ये पोएम्स है, 8,000 लाइन के आसपास ही पोएम है। तो क्योंकि हमारे इग्नू के सिलेबस में सिर्फ बुक वन दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ बुक वन डिस्कस करूँगी, जिसमें कि उनकी चाइल्डहुड के बारे में बताया हुआ है, उन्होंने जो अपने चाइल्डहुड में जो चीज़ें की थी उसके बारे में बताया हुआ है। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये उनकी स्पेशलिटी थी, वो टाइम के अकॉर्डिंगली चीज़ों को नहीं डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि फीलिंग्स या इमोशंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लगाएं या लिखें या एक्सप्रेस करें। तो इसीलिए जो इंस्टेंसेस है, जो स्टोरीज हैं जो यहाँ पे वो बता रहे हैं इस पोएम में, वो कुछ भी ऐसे नहीं है कि बचपन में हुआ फिर उसके बाद नहीं। उन्हें जैसे जैसे इमोशन वाइज ठीक लगा, उन्होंने वैसे वैसे वो चीज़ें यहाँ पे ऐड की है। इसके बारे में और एक डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर ऊपर या साइड में आपको कहीं देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देखें, और इसके अलावा लाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ जो है वो भी आप देखना बिल्कुल नहीं भूलें। अब एज यूजुअल मैंने जो सारी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, जहाँ ये आप पोएम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पोएम ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मुझे काफ़ी सर्च करने के बाद ये पोएम मिली इंटरनेट पे, जो वर्जन फाइनली जो लास्ट वर्जन था वो वर्जन मुझे यहाँ इंटरनेट पे मिला। इसके अलावा एज यूजुअल जो नोट्स मेरे हैं उसकी लिंक पे डिस्क्रिप्शन में एडेड है, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इग्नू की बुक्स में दिए हुए हैं उसके अलावा भी मुझे काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स मिले जो कि थोड़े डिफिकल्ट लगे मुझे, तो मैंने उनका भी लाइन नंबर और वर्ड और उसका मीनिंग उसी लिस्ट में ऐड किया हुआ है। उसका भी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग जो है पोएम पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 600 लाइन का पोएम है, तो मैं इसको एक ही वीडियो में नहीं ख़त्म कर सकती, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। मेक श्योर कि आप सारे पार्ट्स देखें, ताकि आपको जो पोएम है वो अच्छे से समझ में आ जाए, और एग्ज़ाम में अगर कोई आरटीसी टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप उन्हें आंसर कर सकें। इसके साथ साथ ही जैसे कि इग्नू की बुक्स में दिया हुआ है कि कुछ कुछ जो स्टैंजाज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं वहाँ पे वो स्टैंजाज मार्क करूँगी कि हाँ ये स्टैंजा जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, या फिर मेरे समझाने के बाद एक बार और उसको रीड कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो काफ़ी लंबा मैंने इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, तो अब हम डायरेक्ट जो है पोएम पढ़ना शुरू करते हैं लाइन वन से। ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, जो हमारी पहली लाइन ही है, वो पहली लाइन से हमें जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जेंटल यानी बहुत नाजुक सी जो हवा चल रही है, उसमें एक ब्लेसिंग यानी कुछ आशीर्वाद के तरीके से ये हवा चल रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है जैसे कि ब्लेसिंग हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्टैंजा भी एग्जाम में भी आ चुका है काफ़ी बार, तो हम ध्यान से इसको कवर करेंगे। अ विजिटेंट दैट वाइल इट फैंस माई चीक, ये जो हवा है ये एक विजिटेंट एक मेहमान की तरह है, और ये मेरे गालों को हवा लाइक छूते हुए जा रही है। डॉथ सीम हाफ कॉन्शियस ऑफ द जॉय इट ब्रिंग्स, अब ये जो हवा है ये खुद भी हाफ कॉन्शियस यानी पूरी तरीके से कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, पूरी तरीके से जागृत नहीं है, वो खुद भी कुछ मदहोशी में है जो वो यहाँ से वहाँ ये हवा चल रही है। फ्रॉम द ग्रीन फील्ड्स एंड फ्रॉम योर अज्यूर स्काई वट एवर इट्स मिशन द सॉफ्ट ब्रीज कैन कम, अब जो है हरे हरे खेतों खलिहानों से नीले आसमान तक की हवा जो चल रही है, और जो भी इसका मिशन है, वट एवर इट्स मिशन, जिस भी काम के लिए ये इधर आई है ये ठंडी हवा, द सॉफ्ट ब्रीज कैन कम टू नन मोर ग्रेटफुल दैन टू मी एस्केप्ड, जो मुझसे ज़्यादा कोई भी ग्रेटफुल नहीं है, सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ जो ग्रेटफुल हूँ इस हवा के चलने के लिए। एस्केप्ड फ्रॉम द वास्ट सिटी वेयर आई लॉन्ग हैड पाइंड, तो अब वो क्या बात करें कि वो क्योंकि असल में बचपन में गांव खेतों में रहे हुए थे, तो बाद में उनको सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, तो सिटी में रह के उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगता था, उनका मन वहाँ नहीं लगता था। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं सिटी में था तो वहाँ मैं बहुत वक्त तक रहा हूँ, वेयर आई लॉन्ग हैड पाइंड यानी मैं बहुत वक्त वहाँ रहा हूँ, आई डिसकंटेंटेड सुजूर ने नाउ कंटेंटेड यानी कंटेंट होना यानी अपने आप में खुश होना और अपने आप से सेटिस्फाइड ना, तो ओबियसली डिसकंटेंट यानी उसका उल्टा, जो अपने आप से खुश नहीं है, दुखी है, जो सेटिस्फैक्शन नहीं है जिसे, सुजूर ने यानी कोई भी जो टेम्प्रेरी कहीं पे रह रहा है, कोई भी टेम्प्रेरी चीज़ जो है, तो वो वहाँ सिटी में रह रहा था टेम्प्रेरी तौर पे, और वो वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं था, डिसकंटेंट था। नाउ फ्री, अब लेकिन वो फ्री हो चुका है, फ्री एज अ बर्ड टू सेटल वेयर आई विल, वो कितना फ्री हो चुका है जैसे कोई पक्षी है, वो चाहे जहाँ वहाँ जाके रह सकता है, घोंसला बना सकता है, उसे कुछ भी बांध या रोक नहीं रहा है, तो वो एक पक्षी की तरह फ्री है। वॉट ड्वेलिंग शेल रिसीव मी, कि मैं अब कहाँ जाके रहूँ, कोई भी ऐसी जगह, मतलब कौन सी जगह मैं जाके रहूँ, मैं इतना फ्री हूँ कि अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कहाँ जाके रहूँ। इन वॉट वेल, वेल यानी वैली जो होती है, कोई भी वैली घाटी हम जिसे कहते हैं, तो पोएट को और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे जो वर्ड है यूज़ किया है वेल,
शैल बी माई हार्बर, इन वॉट वेल शैल बी माई हार्बर, कि कौन सी वैली में जाके मैं हार्बर यानी अपना घर बसा लूँ। अंडर नीथ वॉट ग्रोव शैल आई टेक अपॉन माई होम, कौन सी ग्रोव के नीचे मैं अपना घर बना लूँ। एंड वॉट क्लियर स्ट्रीम शैल विथ इट्स मर्मर लल मी इन टू रेस्ट, स्ट्रीम यानी नदी, कौन सी नदी के पास में, कौन सी नदी की जो बहने की आवाज़ होती है कलकल की आवाज़, उसके पास में मैं जाके आराम करूँ। द अर्थ इज ऑल बिफोर मी, ये पूरा जो जमीन, जो पूरी धरती है, ये पूरी मेरे सामने है। With a heart joyous nor scared at its own liberty, उसका जो दिल है, जो धरती का दिल है, वो बहुत खुश है और उसे कोई डर नहीं है। nor scared at its own liberty, अब जो फ्रीडम उसको मिल गई, जो लिबर्टी उसे मिल गई है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। I look about and shoot the chosen guide, अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ और chosen guide, जो chosen guide यानी जिसको मैंने choose किया है, गाइड जो मुझे रास्ता दिखाएगा, तो वो असल में कह रहे हैं, आप अगर वर्ड्सवर्थ के बारे में आपने पढ़ा या सुना है कभी, तो आप जानते होंगे कि वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो नेचर है वही इस दुनिया का सबसे अच्छा गाइड या मेंटोर है। जो नेचर आपको बताएगी, अगर आप वो करेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेचर है वो मेरी चोजन गाइड है। बी नथिंग बेटर देन अ वॉन्डरिंग क्लाउड, कि उससे तो अब मैं किसको अपना गाइड चूज कर रहा हूँ, वॉन्डरिंग क्लाउड, वॉन्डर करना यानी यहाँ से वहाँ से बिना मतलब के घूमते रहना, जो यहाँ से वहाँ घूम रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं है, ऐसा क्लाउड, तो ऐसे बादल को उसने अपना गाइड बना लिया है। आई कैन नॉट मिस माई वे, क्योंकि अब ये जो वॉन्डरिंग क्लाउड जो है ये मेरा गाइड बन चुका है, तो मैं अपना रास्ता कभी भटक ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ ये मुझे लेके जाएगा वहीं से ही जाऊँगा होगी। आई ब्रीद अगेन, अब मैं जब शहर से वापस इधर गांव में आ चुका हूँ, इस वॉन्डरिंग क्लाउड को मैंने अपना गाइड बना लिया है, मैं वापस सांस ले सकता हूँ। आई ब्रीद अगेन, ट्रांसेस ऑफ थॉट एंड माउंटिंग्स ऑफ माइंड कम फास्ट अपॉन मी इट्स शेकन ऑफ, अब ट्रांसेस यानी ट्रांस की स्टेट में हम नहीं चले जाते हैं, जब हम कुछ बहुत अच्छा गाना सुनते हैं या कुछ भी अच्छा फील करते हैं, हम इस दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, तो वैसे ही मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। कम फास्ट अपॉन मी, मुझ पर बहुत तेज़ी से ये सारे ख्याल आ रहे हैं। इट इज़ शेकन ऑफ, वो सारे ख्यालों को मैंने शेक ऑफ कर दिया यानी दूर कर दिया है। दैट बर्थन ऑफ माई ओन अननेचुरल सेल्फ, बर्थन जो वर्ड है यहाँ पे burden, डरिए मत कन्फ्यूज मत होइए, ये सिर्फ बर्डन जो हम कहते हैं, जिसे हम बोझ कहते हैं, उसका पुराना वर्ड था बर्थन। तो जो मैं अपने ही बोझ के तले दब चुका था, क्योंकि मैं खुद नहीं रह गया था, जब वो गांव से शहर चले गए तो वो सेम इंसान नहीं रहे और वो अपने ही बर्डन के नीचे दबे जा रहे थे। द हैवी वेट ऑफ मैनी अ वेरी डे, किस चीज़ का बोझ था वो, वेरी वेरी यानी जो बहुत घिस चुका है, घिसा पिटा, क्योंकि आप बहुत थक चुके हो, आपने बहुत मेहनत कर ली है, वो ऐसा दिन, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे दिनों का जो बोझ था वो उनके कंधों पे था। नॉट माइन एंड सच एज वर नॉट मेड फॉर मी, और ये जो ऐसे घिसे पिटे दिन थे जहाँ आपको बहुत मेहनत करनी है, ये सारे दिन मेरे नहीं थे, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बनाता। एंड सच एज वर नॉट मेड फॉर मी, ये चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी थी। लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस इफ सच बोल्ड वर्ड अकॉर्ड, लॉन्ग मंथ्स ऑफ पीस यानी शांति के जो लंबे लंबे महीने हैं, विथ एनी प्रॉमिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ये महीने हैं इसमें इंसान को वादे किए जाते हैं। लॉन्ग मंथ्स ऑफ ईज एंड अनडिस्टर्ब डिलाइट आर माइन इन प्रॉस्पेक्ट, तो मैं किन चीज़ों के लिए बना हूँ, ऐसे लंबे लंबे महीने जहाँ आसानी हो, अनडिस्टर्ब डिलाइट एंड डिलाइट यानी खुशी, तो खुशी को कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे लंबे लंबे महीने हो, ये मेरे प्रॉस्पेक्ट हैं, ये मैं करना चाहता हूँ। आर माइन इन प्रॉस्पेक्ट, विदर शैल आई टर्न, अब मैं किधर टर्न हूँ, कहाँ पे मैं जाऊँ, बाय रोड और पाथवे, अब मैं रास्ते से जाऊँ या पाथवे यानी फुटपाथ जैसा समझ लीजिए आप, और थ्रू ट्रैकलेस फील्ड या फिर जो खेत है वहाँ से जाऊँ, अप हिल और डाउन, मैं पहाड़ों में ऊपर चढ़ूँ या नीचे जाऊँ, और शैल सम फ्लोटिंग थिंग अपॉन द रिवर पॉइंट मी आउट टू माई कोर्स, या फिर नदी में कोई फ्लोटिंग थिंग यानी कुछ भी, कोई भी मछली है, कोई भी चीज़ जो फ्लोट कर रही है, तैर रही है, वो मुझे बताएगी कि मेरा रास्ता अब किधर है। तो आप समझिए कि अभी तक वो शहर में रह रहे थे, वहाँ शहर की चीज़ें कर रहे थे, और सडनली जो है अब उन्हें अपना एक नया रास्ता ढूंढना है, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं वो यहाँ पर सारी चीज़ें बताएं कि मैं रास्ते पे जाऊँ, मैं सड़क पे जाऊँ, मैं ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ, पहाड़ पे चढ़ूँ कि नदियों में तैरने लगूँ, मैं क्या करूँ। यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट 30 लाइन्स हैं वो कवर हो चुकी हैं, अब हम आगे बढ़े। डियर लिबर्टी येट वॉट वुड इट अवेल बट फॉर अ गिफ्ट दैट कॉन्सेंट्रेट्स द जॉय, अब वो लिबर्टी अगेन फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि मैं इस खुशी को और बढ़ाने के लिए क्या करूँ। For I, me thought, while the sweet breath of heaven was blowing on my body felt within, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये स्वर्ग से सांस आई और मेरी बॉडी में उसने हवा डाली,
तो मतलब स्वर्ग से एक हवा आई जिन्होंने उनकी बॉडी में उनको रिवाइव कर दिया, वो फील कर सकते हैं कि स्वर्ग से ऐसा हवा का एक झोंका आया और उनको पूरी उसमें जान डाल दी। अ करस्पॉन्डेंट ब्रीज दैट जेंटली मूव्ड, उसके बाद ऐसे ही एक और हवा का झोंका आया जो कि धीरे धीरे चला। विथ क्विकनिंग वर्च्यू बट इज नाउ बिकम अ टेम्पेस्ट अ रिडंडेंट एनर्जी। अब वो आया तो ऐसे था कि विथ क्विकनिंग वर्च्यू वो आया था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, एक रिडंडेंट एनर्जी बन गया है। कि रिडंडेंट यानी जो ऑलरेडी उनके पास है, जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ रिडंडेंट होना मतलब आपके पास मोर देन इनफ है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। वैक्सिंग इट्स ओन क्रिएशन, वैक्सिंग का मतलब वैसे होता है कि किसी भी चीज़ को लेके आप बिना मतलब परेशान हो रहे हैं तो वो वैक्सिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो है इग्नू की बुक्स में जैसे दिया हुआ है कि वैक्सिंग इट्स ओन क्रिएशन यानी मच ग्रेटर इन फोर्स एंड पावर दैन द माइल्ड ब्रीज विच लेड टू इट। यानी पहले जो ठंडी ठंडी हल्की सी माइल्ड ब्रीज आई थी उससे बहुत ही ज़्यादा एक तेज़ हवा का जो झोंका आया। तो समझिए कि माइल्ड हवा जितनी हमें अच्छी लगती है उतनी ही जो बहुत तेज़ हवा आएगी तो वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। थैंक्स टू बोथ, अब वो दोनों को शुक्रिया कह रहे हैं, जो ठंडी हवा का झोंका था उसको भी और जो ये बहुत तेज़ जो हवा आई थी इसको भी, दोनों को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एंड देयर कंजीनियल पावर दैट वाइल दे जॉइन इन ब्रेकिंग अप अ लॉन्ग कंटिन्यूड फ्रॉस्ट। क्योंकि अब जब ये दोनों प्रकार की हवाएं हैं ये जब मिलती हैं तो ये फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट यानी जो एक धुंध जम जाती है, धुआं जम जाता है, कोहरा, अब ये दोनों हवाएं जो है ये मिलके उस कोहरे को हटा देंगी। ब्रिंग विद देम वर्नल प्रोमिसेस, वर्नल प्रोमिसेस का मतलब क्या हुआ, वर्नल का मतलब हुआ जो स्प्रिंग के मौसम से रिलेटेड है, और प्रोमिसेस यानी स्प्रिंग का मौसम जो अपने साथ वादे लेके आया है वो। द होप ऑफ एक्टिव डेज अर्ज्ड ऑन बाय फ्लाइंग आवर्स, कि अब मैं जो है ऐसा होप करता हूँ, मैं ऐसी दुआ करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब जो मेरे दिन है वो यूं ही निकलते जाएंगे। फ्लाइंग आवर्स यानी जो हम बोलते हैं ना कि वक्त को पंख लग गए, इतना तेज़ी से वो चले जा रहा है वैसा। डेज ऑफ स्वीट लेजर यानी लेजर यानी आराम से करना। टैक्स्ड विथ पेशेंट थॉट, ऑब्स्ट्यूज नॉर वॉन्टिंग पंक्चुअल सर्विस हाई, मार्टिन्स एंड वेस्पर्स ऑफ हारमोनियस वर्ड्स। तो अब वो क्या है, वो सब चीज़ें जो है आराम से कर रहे हैं। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे हमारी इग्नू की बुक में दिया हुआ है कि ये जो है पूरे इस स्टैंजा में जो ये पूरा हम उन्होंने समझाया है कि वो अब एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करें, उन्हें प्योरिटी चाहिए। ये जो बाहर से जो हवा आ रही है ये इनके मन को पूरा शांत कर रही है, और अब जो इनका मन है इसमें एक नए प्रकार की एनर्जी भर गई है। अब यहाँ जो है ये वक्त बहुत जल्दी तो निकल जाता है, लेकिन जो पोएट है वो लाइक सिटी में ऐसा होता है कि वक्त तो निकल जाता है लेकिन कुछ काम भी नहीं होता, लेकिन यहाँ जो है अब जब वहाँ गांव में वो रह रहे हैं तो उनका वक्त भी बहुत जल्दी निकलता है, प्लस उसके साथ साथ ही जो पोएट है वो बहुत सारा प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। जो वक्त के साथ साथ उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ चलो भले ही 2 घंटे निकल गए लेकिन मैंने इतना इतना काम भी ख़त्म कर लिया है। अब जो लाइफ है वो एक नॉर्मल पेस पे चल रही है, उन्हें कोई एंजाइटी नहीं है, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, वो अपनी पोएट्री लिख रहे हैं, वो उनको अच्छा लगता है तो वो करते जा रहे हैं। जो पोएट है वो सुबह भी लिखते हैं, शाम को लिखते हैं, रात को लिखते हैं। हारमोनियस वर्सेस जो है जो मन को अच्छे लगने वाले ऐसे वर्सेज हैं वो उन्हें लिखते हैं, और उनका जो मन है वो हमेशा खुश रहता है क्योंकि वो चीज़ कर रहे हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। दस फार ओ फ्रेंड डिड आई नॉट यूज टू मेक अ प्रेजेंट जॉय द मैटर ऑफ सॉन्ग। वो कह रहे हैं कि क्या अभी तक, दस फार यानी अभी तक मेरे दोस्त, क्या मैं नहीं एंजॉय करता था अपने दिनों को। पोर फोर्थ दैट डे माई सोल इन मेजर्ड स्ट्रेन्स दैट वुड नॉट बी फॉरगॉटन एंड आर हेयर। अब मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मेरी जो सोल है, जो मेरी आत्मा है, वो भी इन दिनों को भूल नहीं पाएगी। एंड आर हेयर रिकॉर्डेड टू ओपन फील्ड्स आई टोल्ड। अब मैं यहाँ इन खुले खुले खेतों में आ गया हूँ। अब प्रोफेसी, प्रोफेसी यानी कुछ भी हम जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा जाके आगे भविष्य में होगा वो, तो क्या प्रोफेसी है। पोएटिक नंबर्स केम स्पॉन्टेनियसली टू क्लोथ इन प्रीस्टली रोब। अब उन्हें क्या दिख रहा है कि पोएटिक नंबर्स जो है स्पॉन्टेनियसली यानी जो अपने आप आते हैं, जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें अपने आप होंगी, तो वैसे जो पोएटिक नंबर्स यानी पोएम्स जो है वो उन्हें आ रही हैं। क्लोथ यानी कि कोई कवर्ड है, उसने वो पहन के रखा है, इन प्रीस्टली रोब, रोब यानी जो कपड़े होते हैं वो। तो ये जो पोएम्स हैं ये इनके मन में अपने आप आ रहे हैं, इन्हें कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ रही, एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे, अपने आप जो है उनके मन में पोएटिक विचार आ रहे हैं। अ रेनोवेटेड स्पिरिट सिंगल्ड आउट, रेनोवेटेड यानी जैसे हम अपना घर रेनोवेट करते हैं, पुराने चीज़ को हम नया करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे जो इनका मन भी जो है, जो इनका स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो भी रेनोवेट होके बाहर आ रही है। सच होप वॉज माइंड, मेरी भी ऐसी ही होप्स थी। फॉर होली सर्विसेज, किसके लिए ऐसी होप्स थी, होली यानी पवित्र सर्विसेज के लिए।
माय ओन वॉइस चीयर्ड मी एंड फार मोर द माइंस, मेरी जो खुद की आवाज़ें हैं वो मुझे चीयर करी थी कि यस यू कैन डू इट। हम किसी को शेयर करते ना कि हाँ कर सकते हो, यस यू आर डूइंग गुड, इस तरीके से। द माइंड्स इंटरनल एको ऑफ द इम्परफेक्ट साउंड, मेरे दिमाग में भी कुछ चीज़ें जो हैं इंटरनल एको, एको यानी जो हमारी आवाज़ गूंजती है, तो मेरे दिमाग के अंदर भी कुछ आवाज़ें जो हैं वो गूंज रही थी। टू बोथ आई लिसन, तो किसकी, अपने स्पिरिट की और अपने माइंड दोनों की आवाज़ों को उन्होंने सुना। ड्रॉइंग फ्रॉम देम बोथ अ चीयरफुल कॉन्फिडेंस इन थिंग्स टू कम, और उन दोनों ही आवाज़ों को सुन के मैंने क्या किया, एक चीयरफुल कॉन्फिडेंस मुझे मिला कि जो भी आगे आएगा, जो भी आगे कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। कंटेंट एंड नॉट अनविलिंग नाउ टू गिव, कंटेंट यानी जो खुश है, जो अपने आप से सैटिस्फाइड है, एंड नॉट अनविलिंग नाउ टू गिव, और अब वो मना नहीं कर रहा है देने से, कि जो भी कुछ है वो देने से मना नहीं कर रहा है। रिस्पाइट टू हिज पैशन आई पेस्ड ऑन विथ ब्रिस्क एंड ईगर स्टेप्स एंड केम एट लेंथ, कि जो मेरा पैशन है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए मैंने ब्रिस्क यानी जो हम जल्दी जल्दी, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे हम कहते हैं, जल्दी जल्दी चलना, एंड ईगर, ईगर यानी जो मुझे करने की बहुत इच्छा है, मैं बहुत उत्सुक हूँ वो करने के लिए, ऐसे मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। एट लेंथ टू अ ग्रीन शेडी प्लेस, तो मैं किस तरफ आगे बढ़ा, एक हरी भरी छाँव वाली जगह पर मैं आगे बढ़ा। वेयर डाउन आई सैट, वहाँ जाके मैं नीचे बैठ गया। बीनीथ अ ट्री स्लैकनिंग माई थॉट्स बाय चॉइस, अब मैं उस पेड़ के नीचे बैठ गया, और स्लैकन यानी उनको, मेरे जो दिमाग में जो थॉट्स हैं स्लैक किया उनको मैंने, यानी उनको धीमा कर दिया कि अब तुम धीरे धीरे आओ, मैंने जानबूझ के किया, बाय चॉइस मैंने अपने जो मन में विचार आ रहे थे उन्हें धीरे कर दिया। एंड सेटलिंग इन टू जेंटलर हैप्पीनेस, और इसी के साथ जो है मैं एक जेंटलर यानी थोड़ी शांत प्रकार की खुशी में, ऐसा नहीं कि बहुत नाच गा के मस्ती करे खुशी, वैसी वाली नहीं, बट एक शांत वाली जो खुशी होती है उसमें मैंने अपने आप को सेटल किया। इट वॉज ऑटम एंड ए क्लियर एंड प्लेसिड डे, अब वो क्या बता रहे हैं कि वो ऑटम का महीना था, क्योंकि हमें अलग अलग इंस्टेंसेस स्टोरी देखने के लिए मिलेंगी, सुनने के लिए मिलेंगी पोएट से इस थ्रू आउट द पोएम में, तो वो कह रहे हैं कि अब जो है ये महीना ऑटम का था, पतझड़ का महीना था, और जो दिन था वो बहुत ही साफ और शांत था। विथ वार्म्थ एज मच एज नीडेड फ्रॉम अ सन, और गर्मी भी उतनी ही थी जितनी हमें सूरज से चाहिए होती है। फ्रॉम अ सन टू आवर्स डिक्लाइन टूवर्ड्स द वेस्ट, जो सूरज है वो वेस्ट की तरफ जा रहा था यानी वो डूब रहा था, दो घंटे में वो डूबने वाला था। अ डे विद सिल्वर क्लाउड्स एंड सनशाइन ऑन द ग्रास, सिल्वर क्लाउड्स यानी जो आसमान है वो खुला हुआ है, क्योंकि जब काले बादल आते हैं तो बारिश होती है, सिल्वर क्लाउड्स यानी जो मौसम है वो भी खुला हुआ मौसम है, और जो हरी हरी घास है उस पर भी सूरज की रोशनी चमक रही है। एंड इन द शेल्टर्ड एंड द शेल्टरिंग ग्रोव अ परफेक्ट स्टिलनेस, जो भी शेल्टर यानी सारी घास वाला जहाँ पे जो है जो घर है वहाँ पे भी सब एक परफेक्ट स्टिल, स्टिल यानी जो कुछ रुका हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा है, तो सब चीज़ों में एक परफेक्ट स्टिलनेस है, शांति है। मैनी वर द थॉट्स इनकरेज्ड एंड डिसमिस्ड, मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे, कुछ को मैंने इनकरेज किया यानी आगे बढ़ने का मौका दिया, एंड डिसमिस्ड कुछ को मैंने शांत करा दिया। टिल चॉइस वॉज मेड ऑफ नोन वेल, जब तक कि मैंने ये चॉइस नहीं बना ली, उन्होंने क्या चॉइस नहीं बना ली, वेदर माई फीट शुड टर्न, कि मेरे जो कदम हैं पैर हैं वो किस तरफ घूमेंगे। नॉर रेस्ट टिल दे हैड रीच द वेरी डोर ऑफ द वन कॉटेज विच मी थॉट आई सॉ, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस दरवाजे पे जाऊंगा, एक कॉटेज मुझे दिखाई दिया और मैंने डिसाइड किया कि इस कॉटेज का जो ये जो दरवाज़ा है यहाँ पे मैं जाऊंगा, मुझे वो दिख गया था और मैं वहीं जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि पोएट ने पहले कहा था कि अभी तक उन्हें डिसाइड नहीं किया था कि उन्हें किधर जाना है, क्योंकि अब जो पूरी दुनिया है वो घर में कहीं भी जा सकते थे, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ मैं इस कॉटेज में जाऊंगा। नो पिक्चर ऑफ मेयर मेमोरी एवर लुक्ड सो फेयर एंड वाइल्ड अपॉन द फैंसीड सीन आई गेज्ड विद ग्रोइंग लव, तो इसीलिए जो है वो अपनी मेमोरी पे जोर डाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई फोटो वगैरह तो थी नहीं, तो उनकी मेमोरी में जो फोटो थी वो उसको देख के सोच रहे थे कि वो दरवाज़ा किधर है। आई गेज्ड विद ग्रोइंग लव, जो उनका प्यार था उनके मन में बढ़ता जा रहा था। अ हायर पावर देन फैंसी गेव अश्योरेंस ऑफ सम वर्क, अब फैंसी से ऊपर एक पावर हुई, फैंसी यानी हम कोई चीज़ चाहते हैं, जो हम यर्न करते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए, जैसे हम कोवेट करते हैं, तो कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा एक बड़ी पावर, उससे ऊपर की किसी कोई और पावर जो हमसे ज़्यादा ऊपर है, उसने मुझे अश्योरेंस दिया यानी समझाया कि तुम्हारा जो काम है वो हो जाएगा। ऑफ ग्लोरी देयर फॉर विथ टू बी बिगन परहैप्स टू देयर परफॉर्म्ड, तो क्योंकि उसने उन्हें शांति दिलाई, उनको समझाया कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। थस लॉन्ग आई म्यूस्ड, और इसीलिए काफ़ी वक्त तक मैं वहीं रहा। नेवर लॉस्ट साइट ऑफ वॉट आई म्यूस्ड अपॉन, म्यूज़ करना यानी हम किसी चीज़ पे जो है अटक जाते कि हाँ ये यही चीज़ है, ये मुझे चाहिए,
तो वो कह रहा है कि मैं इसीलिए काफ़ी देर तक उसी चीज़ पे अपनी टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ था, मैंने कभी भी उस दरवाजे की जो साइट है उसको नहीं खोया, मैं पूरे वक्त उसको देखते रहा। सेव वेन एमिड द स्टेटली ग्रोव ऑफ ओक्स नाउ हेयर नाउ देयर एंड अ कॉर्न फ्रॉम इट्स कप। और फिर ग्रोव ऑफ ओक्स, ओक यानी जो पेड़ होता है ओक का, उसकी यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। डिसलॉज थ्रू सीर लीव्स रसल और एट वंस, लीव्स का रसल होना यानी जो पत्तियाँ आपस में टकराती हैं और जो आवाज़ आती है, और एट वंस टू द बेयर अर्थ ड्रॉप्ड विथ स्टार्टलिंग साउंड। या फिर क्या होता है कि वो पत्तियाँ एक दूसरे से टकरा के जो बेयर अर्थ यानी जो खुली ज़मीन है उस पर वो गिर जाती हैं और एक स्टार्टलिंग आवाज़ आती है, पत्तियों के गिरने की जो आवाज़ आती है उसकी बात वो कर रहे हैं। फ्रॉम दैट सॉफ्ट काउच आई रोज नॉट टिल द सन हैड ऑलमोस्ट टच द होरिजन। तो क्योंकि वो वहीं बैठे हुए हैं और पत्तियां ऊपर से नीचे गिर रही हैं, उन पत्तियों की वजह से एक समझ लीजिए काउच की तरह बन गया, एक सोफ़ा की तरह बन चुका है वहाँ पे। तो वो उस सोफे पे बैठे हुए हैं, सॉफ्ट काउच जो कि पत्तियों का बना हुआ है उस पे वो बैठे रहे जब तक कि जो सन है वो पूरे तरीके से हॉरिजन को टच नहीं किया। हॉरिजन को टच नहीं किया मतलब डूबा नहीं, जब तक वो पूरे तरीके से डूब नहीं गया मैं तब तक वहीं बैठा रहा। कास्टिंग देन अ बैकवर्ड ग्लांस अपॉन द कर्लिंग क्लाउड, उसके बाद मैंने क्या किया, कास्ट करना यानी मैं पलट के देखा, मैंने पलट के किसके ऊपर देखा, ग्लांस देखा अपॉन द कर्लिंग क्लाउड, जो बादल था उसकी तरफ मैंने देखा। ऑफ सिटी स्मोक बाय डिस्टेंस रूरलाइज्ड, तो वो जो क्लाउड था वो किस चीज़ का क्लाउड था, वो शहरों से आ रहे धुएं का एक क्लाउड बना हुआ था। कीन एज अ टूरेंट और अ फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव यानी ऐसा व्यक्ति जो कि जिसने कोई रूल तोड़ा है और वो पुलिस या लॉ से भाग रहा है। वांट टू वांट यानी ऐसा कोई बच्चा जो कि स्कूल में उसको होना चाहिए लेकिन वो जो हम नहीं बोलते बंक करना कि जानबूझ के स्कूल जाने की जगह हम कहीं और चले जाएंगे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो कीन एज अ ट्रूवांट और फ्यूजिटिव, तो दोनों ही जो ये ऐसे व्यक्ति हैं वो लोग बहुत ही कीन होंगे, बहुत ध्यान देंगे अपने आसपास क्योंकि उन्हें डर है कि कोई उन्हें पकड़ ना ले। बट एज अ पिलग्रिम रिजोल्यूट आई टुक, लेकिन जैसे कोई पिलग्रिम होता है यानी भगवान के दर्शन के लिए या कहीं जाते हैं, जिसे हम तीर्थ यात्रा भी कहते हैं, जो लोग तीर्थ यात्री होते हैं तो उन लोगों के मन में जैसे रिजोल्यूशन होता है कि हाँ हमें यहाँ जाना ही है, हमें ये करना ही है। तो जितना वो लोग रिजोल्यूट होते हैं उतना ही मैं भी रिजोल्यूट था। आई टुक इवन विद द चांस इक्विपमेंट ऑफ दैट आवर, और इसीलिए वो जो एक घंटे का चांस था वो भी मैंने ले लिया। द रोड दैट पॉइंटेड टूवर्ड्स द चोजन वेल, यानी फिर मैंने सोचा कि हाँ एक घंटे में भी मैं जितना पहुँच जाऊँगा मैं उस तरफ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं इस वैली में जाऊँगा, तो इसलिए वो रोड जो कि उस वैली की तरफ जा रहा था मैंने डिसाइड किया कि मैं भी वहीं जाऊँगा। इट वॉज अ स्प्लेंडेड इवनिंग, स्प्लेंडेड यानी बहुत अच्छा, मार्वेलस, बहुत ही अच्छा। तो वैसी वो शाम थी। एंड माई सोल वंस मोर मेड ट्रायल ऑफ हर स्ट्रेंथ, और जो मेरी आत्मा है उसने फिर से एक बार कोशिश की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। नॉट लाइक एवलियन विजिटेशन बट द हार्प वॉज सून डिफ्रॉडेड एंड द हैंडेड होस्ट। अब डिफ्रॉडेड का मतलब हुआ कि हम किसी से धोखे से उससे पैसे निकलवा लें या उससे ऐसा कुछ काम करा लें जो कि उसको नहीं करना चाहिए था, बट धोखे से उसे पता नहीं और हम ऐसा कोई काम उससे करा लें। लेकिन वो हमारी आज की इंग्लिश में उसका यह मतलब हुआ। जब पोएट ने ये पोएम लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, उस वक्त जो डिफ्रॉडेड है या जो एक जो हमें बताया गया उन्होंने कि एरोलिन हाप, ये असल में एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप मान लीजिए, खिलौने के तरीके का था, जो कि रोमांटिक पोएट्स जो है इसमें कुछ स्ट्रिंग्स या तार जिसे हम कहते हैं वो अगर रहते थे तो उसे बहुत अच्छी हवा चलने पे बहुत अच्छी आवाज़ आती थी। तो डिफ्रॉडेड की बात उन्होंने की है यहाँ पे, जो वो हवा चल रही है उसकी बात की है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, जहाँ ये वेल की बात हुई है, वेल मतलब वैसे तो कोई भी वैली के लिए होता है लेकिन यहाँ पे जो है इग्नू की बुक्स में जैसे दिया हुआ है कि एक कॉटेज था, एक छोटा सा झोपड़िया हट, एक छोटा सा घर था जहाँ पे कि वर्ड्सवर्थ जो है वहाँ पे रहा करते थे। 1799 से 1808 तक उन्होंने अपना घर वहीं बना लिया था, लेक के पास में वो वहीं रहा करते थे। तो जब उन्होंने शहर को छोड़ दिया था, त्याग दिया था और वो इधर वापस आ गए थे तो वो उस जगह पे रहा करते थे। इसीलिए जो स्पेसिफिक जिस वेल की उन्होंने बात की है वो इसी की थी। ऑफ हार्मनी डिस्पर्स्ड इन स्ट्रगलिंग साउंड्स एंड लास्टली अटर साइलेंस बी इट सो, अब फाइनली जो है सब जगह शांति हो गई है और उन्होंने फाइनली बोला कि बी इट सो यानी होने दो ऐसा। वाई थिंक ऑफ एनीथिंग बट प्रेजेंट गुड, मैं किसी और चीज़ के बारे में क्यों सोचूं बजाय कि इसके कि अभी जो जो अच्छा मेरे साथ हो रहा है उसकी जगह मैं किसी और चीज़ के बारे में क्यों सोच के अपना वक्त बर्बाद करूं। सो लाइक अ होम बाउंड लेबरर, जो कि हम जैसे बंधुआ मजदूर कहते हैं, आई परसूड माई वे बीनीथ द मेलोइंग सन, मैंने भी मेलो यानी जो शांत होता जा रहा है, जैसे कोई बहुत गुस्से में है लेकिन फिर वो शांत होता जा रहा है, तो क्योंकि जो सूरज है वो भी डूब रहा है तो उस डूबते हुए सूरज मेलोइंग सन के नीचे मैं अपना जगह बना के चलने लगा। दैट शेड माइल्ड इन्फ्लुएंसर
nor left me one wish again to bend the sabbath of that time. सबात यानी जो भी एक आराम का दिन होता है, हफ्ते में कोई भी एक आराम का दिन जो होता है, संडे मान लीजिए आप, या जो पूजा करने का आराम का दिन है उसकी बात वो चल रही है. तो वो कह रहे हैं कि जो मैं चल रहा था और मेरे अंदर में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं वापस जो है उस सबात के दिन की तरफ जाऊँ. टू अ सर्वाइल योग, वॉट नीड ऑफ मैनी वर्ड्स. अब सर्वाइल मतलब जो सामने वाले को खुश करना चाहता है, इसमें बोलते हैं एक सर्वेंट वाली क्वालिटीज़ है कि मैं कुछ भी करके अपने मालिक को खुश कर दूँ, वो उसकी बात कर रहे हैं. What need of many words? मुझे बहुत सारे शब्दों की क्या ज़रूरत है. A pleasant loitering journey through 3 days continued brought me to my hermitage. तो अब loiter करना यानी यहाँ वहाँ से बिना मतलब जो घूमते हैं ना कि तुम क्या मस्ती करो क्या करो, तो वैसे ही जो है pleasant loitering journey यानी यहाँ वहाँ आराम से घूमते हुए चलते बिना किसी एम की ऐसी जर्नी उन्होंने निकाली. कितने दिन की जर्नी थी? 3 दिन की. ये जर्नी उनकी 3 दिन कंटिन्यू चलती रही. Brought me to my hermitage. Hermit यानी वो जो कि दूसरों के साथ, लोगों के साथ नहीं रहता है, वो अकेले में अपने में ही रहता है. तो hermit का जो घर हुआ वो हुआ उसका hermitage. तो ये 3 दिन की जो ऐसी जर्नी थी वो मुझे मेरे hermitage में ले आई. ये वही वेल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि उस घर में वो वहाँ रहे. I spare to tell you of what ensued. The life in common things, the endless store of things. मैं तुम्हें बताता हूँ कि ज़िंदगी में मैं क्या क्या ऐसी endless चीज़ें जो है मैं देखी. रेयर और एटलीस्ट सो सीमिंग एवरी डे. जो चीज़ें मैंने देखी वो मुझे बहुत रेयर लगी, यानी जो अनकॉमन है. बट अब वो है कि नहीं तो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट उसको देख के तो मुझे ये लगा कि हाँ ये अनकॉमन है. एवरी डे फाउंड ऑल अबाउट मी इन वन नेबरहुड. द सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन एंड फ्रॉम मॉर्न टू नाइट अनब्रोकन चेयरफुलनेस सीरीन. सुबह से लेके रात तक, मॉर्न यानी मॉर्निंग से लेके नाइट तक, जो एक अनब्रोकन चेयरफुलनेस यानी मेरी खुशी को कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता. बट स्पीडिली एन अर्नेस्ट लॉन्गिंग रोज. अब लेकिन उसी के साथ जो है मेरे अंदर एक तीव्र इच्छा जागी. स्पीडिली अर्नेस्ट लॉन्गिंग, लॉन्गिंग यानी इच्छा. टू ब्रेस माई सेल्फ टू सम डिटरमाइंड एम. क्या इच्छा जागी? कि मैं अपने आप को एक तो कुछ एम मैं बनाऊँ, कुछ गोल मैं बनाऊँ. रीडिंग और थिंकिंग, या तो पढ़ने का या सोचने का. ईदर टू ले अप न्यू स्टोर्स और रेस्क्यू फ्रॉम डीके द ओल्ड. या तो मैं कुछ नया लेके आऊँ बनाऊँ, या फिर जो पुराना रखा हुआ है ऑलरेडी, डीके यानी जो खराब होने वाला है या हो रहा है उसको मैं निकाल लूँ. बाय टाइमली इंटरफेरेंस, उसको सही वक्त पे जाके मैं निकाल लूँ. तो जो भी कुछ खराब हो रहा है मैं उसे बचा लूँ, ऐसा. एंड देयर विथ केम होप्स स्टिल हायर एंड दैट विथ आउटवर्ड लाइफ आई माइट इंड्यूस सम एरी फैंटेसीज. यहाँ पे जो फैंटेसीज की स्पेलिंग PhD है उसे कंफ्यूज में, तो ये फैंटेसी की ही बात चल रही है. दैट हैड बीन फ्लोटिंग लूज अबाउट फॉर ईयर्स. और फिर मेरी वो सारी फैंटेसीज जो कि मैं इमेजिन कर रहा था, जो ड्रीम कर रहा था, जो सालों सालों से यहाँ वहाँ ऐसी घूम रही थी, भटक रही थी. एंड टू सच बींग्स टेम्परेटली डील फॉर्थ दैट मैनी फीलिंग्स दैट ऑप्रेस्ड माई हार्ट. और वो सारी फीलिंग्स जो कि मेरे दिल को ऑप्रेस करना यानी किसी को दबाना. तो ऑपरेस के लिए मुझे एग्जैक्ट हिंदी मुझे मतलब समझाते नहीं आ रहा था, तो मैंने गूगल किया तो इसका मीनिंग उन्होंने दिया कि उत्पीड़ना हिंदी में हम जैसे कहते हैं. बट ऑपरेस करना यानी वही कि अपनी शक्तियाँ भी नहीं बट अपने लेवल, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके किसी को दबाना. तो जो उनकी मन में ये सारे जो फीलिंग्स थी उसको जो पोएट है वो ऑपरेस कर रहे थे, दबा रहे थे. दैट होप हैड बीन डिस्करेज. मेरी जो होप थी वो उसको डिस्करेज किया गया, उसको नीचे दबाया गया. वेलकम लाइट डॉन्स फ्रॉम द ईस्ट बट डॉन्स टू डिसअपियर. अब ऐसी जो वेलकम लाइट है जैसे सूरज ईस्ट से उगता है, वैसी वो जो लाइट है वो भी ईस्ट से आई. बट डॉन्स टू डिसअपियर एंड मॉक मी विद द स्काई दैट राइपन्स नॉट इन टू स्टेडी मॉर्निंग. तो वो जो एक बोलते किरण वो आई तो ईस्ट से, लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा मजाक उड़ाते हुए, मॉक करना यानी मजाक उड़ाना, वो आकाश में गई और फिर वो पकी नहीं. पकी मतलब उसको वापस लौट के आना चाहिए था, दिन बनाना चाहिए था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं. वो मेरे ही माइंड में चली गई, अपने आप गायब हो गई. यानी मुझे एक होप दी गई और फिर उसे वापस मुझसे छीन लिया गया. इन टू अ स्टडी मॉर्निंग इफ माई माइंड रिमेंबर द बोल्ड प्रोमिसज ऑफ द पास्ट. अगर मेरे दिमाग को, मेरे मन को पुराने जो प्रोमिसज, जो पास्ट में मैंने प्रोमिसज किए थे वो सारे प्रोमिसज अब याद आ रहे हैं. वुड ग्लैडली ग्रेपल विद सम नोबल थीम. वेन इज हर विश वेयर एवर शी टर्न्स शी फाइंड्स impediments from the day to day renewed. तो अब ये बहुत सारे वर्ड्स एक साथ हमें मिल गए हैं जो जिनका मीनिंग हमें नहीं पता है. तो ग्रैपल यानी किसी से झगड़ना लेकिन बिना हथियार के, तो हाथ से जो हम रेसल करते हैं वो समझ लीजिए.
would gladly grapple with some noble theme. क्योंकि अब उस वक्त पुराने वक्त में उनके साथ जो जो हो रहा था, कभी कभी नहीं होता हम खुद से ऐसे वादे करते कि हाँ मैं आगे जाकर ये करूँगा वो करूँगा, हमारा मन कुछ और करने का होता है, लेकिन उस वक्त की हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मान लीजिए कोई जॉब जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप सोचेंगे कि ठीक है कम से कम मैं इतनी देर यहाँ रह लूँ, मैं इतने पैसे कमा लूँ, फिर मैं वापस अपने गाँव चला जाऊँगा. तो आप अपने आप से अपने मन को ऐसे दबा रहे हैं, ऑप्रेस कर रहे हैं, और अपने आप से जो आप झगड़े कर रहे हैं, जो वादे आपने खुद से किए हैं उनकी वो बात चल रही है. तो अब क्या है कि वो अपने ही, क्योंकि दोनों विचार जो हैं वो उनके खुद के ही हैं, ऐसे दोनों विचारों से वो मन ही मन में युद्ध कर रहे हैं, ग्रैपल कर रहे हैं. वेन इज अर विश, वेन यानी वेस्ट में जाना. कोई हम चीज़ के लिए मेहनत करते हैं लेकिन वो वेन, इट्स वेन यानी वेस्ट है. वेर एवर शी टर्न्स शी फाइंड्स, क्योंकि वो जहाँ भी टर्न करती है, जहाँ भी वो जाती है, उसे मिलता है. क्या मिलता है? इम्पीडिमेंट्स फ्रॉम द डे टू डे रिन्यूड. इम्पीडिमेंट यानी किसी भी चीज़ को रोकना, कि कुछ भी जो है उसे पॉसिबल होने से हम रोक देंगे. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे अपनी चीज़ों को करने से रोक देती हैं. अब यहाँ पे जो है इस पूरे पार्ट में, और ये वीडियो जो है आधे घंटे का ऑलमोस्ट, मैंने लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 130 प्रॉपर पूरा डिस्कस किया है लाइन बाय लाइन. आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में. अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ चीज़ कवर करूं तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए. नेक्स्ट वीडियो मैं बना रही हूं जो कि लाइन 132 से शुरू होगा. यहां पे 131 तक हमने कवर किया है, तो हम आगे की जो पोएम है वो कवर करेंगे. प्लीज़ जो है सारे पार्ट ज़रूर देखिए ताकि आपकी जो पोएम है कम्प्लीटली कवर हो जाएगी.